जी हाँ दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि कई लोगों का मजाक उनके सांवले रंग की वजह से उड़ाया जाता है। हाल ही में इस मजाक का किस्सा बनी थी शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, जिनका रंग भेद को लेकर पोस्ट काफी ज्यादा चर्चाओं में है। जानकारी दे दें कि बॉलीवुड स्टार्स व उनके फैंस ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि कई लोगों ने उनके रंग पर काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया था। दरअसल सुहाना खान ने लिखा था कि उनका स्किन कलर ब्राउन है और उन्हें इस पर नाज है। सुहाना ने उन पर उन युवा और युवतियों का हौसला अफजाई किया था जो इस हीन भावना से गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं 12 साल की थी तब मुझे विकसित महिलाओं और पुरुषों ने मेरे स्किन टोन, यानी कि बड़े लोगों ने मुझे मेरे स्किन टोन की वजह से मुझे बदसूरत कहा। हम सभी भारतीय हैं और हमारा स्किन कलर ब्राउन रहता है ज़्यादातर भारतीयों का। सुहाना खान के इस पोस्ट पर चित्रांगदा से लेकर दूसरे स्टार्स ने सहमति जताई, लेकिन बॉलीवुड में दूसरी बड़ी एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्हें रंग भेद सहना पड़ा है। प्रियंका चोपड़ा से लेकर राधिका आप्टे, बिपाशा बासु ऐसे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने रंग भेद यानी कि अपने सांवले रंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजाक बनवाया, लेकिन उनका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। आज के समय में हम देखते हैं कि ये हीरोइन अपना पक्ष मजबूती से रखती हैं, इस विषय के बारे में लोगों को भी समझाती नजर आई हैं। आइए जानते हैं इनके रंग भेद की सोच के बारे में कि इनका क्या मानना है। सबसे पहले अगर बिपाशा बासु के बयान की तरफ देखें तो एक्ट्रेस बिपाशा ने भी बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने सांवले रंग को लेकर कई बार ताने सुने। सोशल मीडिया से लेकर इंटरव्यू तक बिपाशा इस भद्दे अनुभव के बारे में यानी एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर चुकी हैं। बिपाशा कहती हैं कि जब वह छोटी थी तो उनके काले व सांवले रंग को लेकर बातें बनाई जाती थी। उन्होंने कहा कि लोग क्यों इस बारे में चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि जब वे 15 साल की उम्र में सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीती तो अखबारों के बनने पर लिखा गया कि सांवली लड़की विनर बनी। बिपाशा आगे कहती हैं कि वे समझ नहीं पाए कि आखिर क्यों उनके नाम के साथ इस तरीके की उपमाएं लगाई जाती रहीं। बिपाशा ने बताया कि जब वे इंडस्ट्रीज में अजनबी फिल्म से डेब्यू कर रही थी तो भी लोगों ने उनके सांवले रंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया। वह कहते थे कि मेरे ऊपर छपने वाली स्टोरी में मेरे काम से ज़्यादा रंग पर बात की जाती थी, लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब दिया बिपाशा बासु ने और इससे उभर कर सामने आई। दूसरी तरफ राधिका आप्टे, जो आज बेशक राधिका आप्टे से इंटरनेशनल पहचान बना ली हो, लेकिन एक समय था जब वह ब्राउन रंग की वजह से निराशा हुई थी। उन्हें इंडस्ट्रीज के लोगों ने सांवले रंग को लेकर उन्हें ताने तक मारे। कुछ लोगों ने कहा कि वह इस रंग के साथ एक्ट्रेस बन ही नहीं पाएंगी, लेकिन राधिका को अपने हुनर पर विश्वास था और उन्होंने काम जारी रखा और अपनी एक नई पहचान कायम कर ली है। बॉलीवुड की बात करें या फिर डिजिटल मीडिया की, राधिका आप्टे हर जगह छाई रहती हैं। प्रियंका चोपड़ा की क्या ही बात करें, हॉलीवुड इंडस्ट्रीज में इनका इतना नाम होगा जितना बॉलीवुड में नहीं होगा। लेकिन एक समय था जब प्रियंका चोपड़ा के सांवले रंग की वजह से रंग भेद का शिकार होना पड़ा था। एक बार खुद प्रियंका ने बताया था कि मुझे एक रोल देने से सिर्फ मेरे ब्राउन रंग की वजह से मना कर दिया गया था। उन्होंने इस मसले पर अपनी बात रखते हुए दूसरे लोगों को यह कहकर जागरूक किया कि आप अपने काम से इतना साबित कर दें कि सामने वाला आपके साथ टेबल पर बैठने के लिए राजी हो जाए। इसके अलावा प्रियंका ने यह भी बताया था कि सिर्फ भारत में नहीं अमेरिका में भी उन्हें ये फेस करने पड़ा था। उन्होंने बताया था कि जब वह 12 साल की थी और अमेरिका पढ़ने गई थी तो लोगों ने उन्हें ब्राउनी कहकर बुलाते थे। नस्ल भेद पर बात करते हुए प्रियंका ने कहा था कि भारतीय का मजाक उड़ाया जाता है, इसलिए उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई छोड़कर भारत वापस लौट आई थी। लेकिन बाद में प्रियंका चोपड़ा अपनी सफलताओं, अपनी एक्टिंग के जरिए ही हॉलीवुड में अब हर किसी को अपना दीवाना बना रही हैं। बॉलीवुड में इस देसी कुड़ियों का दीवाना तो हर कोई है, लेकिन हॉलीवुड में भी प्रियंका चोपड़ा का दीवाना अब कई करोड़ों फैंस बन चुके हैं। तो आप भी घबराइए मत, स्किन कलर आपके हाथ में नहीं है, वो तो एक नेचर से प्राकृतिक के रूप में मिलता है जिसको सभी को अपनाना चाहिए। काला हो या गोरा, सभी के मन में सभी के लिए वही भाव रखना चाहिए जो हम दूसरों के लिए प्रकट करते हैं। तो रंग मायने नहीं रखता, आपकी सोच मायने रखती है कि सोच कितनी बड़ी या छोटी है। नेक्स्ट 9 लैब्स, दीपक की रिपोर्ट।